हाँ तो मित्रों, आज मैंने सोचा कि इंश्योरेंस की सबसे खास बात बताऊं, जिसे अक्सर सेल्स मैनेजर, एजेंट्स या फिर ब्रांच मैनेजर जो भी होते हैं छुपाना चाहते हैं, छुपा कर रखते हैं या फिर बताने की कोशिश ही नहीं करते। तो इस बात पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं और इस बात को आज मैं खुलासा करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी खास बात है जो कि जल्दी कोई बता नहीं पाता है। तो ये ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो कि ये अहम रोल निभाता है हर व्यक्ति को उस कंपनी से ट्रस्ट बिल्डअप में, लोग माने ना माने, मैं इस बात को मानता हूं। क्या खास है कि आप ही बताएं कि इंश्योरेंस ली जाती है जीवन में हमेशा खुशहाल रहने के लिए, सुखी पूर्वक और टेंशन फ्री रहने के लिए। ताकि मैंने इंश्योरेंस कर लिया तो मैंने अपनी लायबिलिटी जितना लोड है वो इंश्योरेंस कंपनी पर डाल दिया और मैं टेंशन फ्री एक उसका प्रीमियम पे करके रह सकूं, इसलिए ना बीमा ली जाती है। लेकिन अगर बीमा लेने के बाद बहुत बड़ा टेंशन होने लगे तो बीमा लेने से क्या फायदा? तो इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूं। तो अगर बीमा लेने के बाद आपको बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, आपके घर में झगड़े हो जाते हैं, या फिर आपको जिस एडवाइजर मैनेजर्स ने जो आपको बात समझाई वो पॉलिसी बॉन्ड से मैच नहीं करती है या आपके विचार से मैच नहीं करता है, तो फिर ये जरूरी है जानना। या फिर आप किसी के दबाव में पॉलिसी ले लेते हैं, या फिर अचानक आपको पॉलिसी की कहीं कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको ऐसा करना जरूरी होता है, ये बात की जानकारी लेना जरूरी होती है। तो इस बात में, इसके बारे में मैं आपको आज फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, पूरा जानकारी, जिसे आप संपूर्ण वीडियो देख के आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं इसको, इस सर्विसिंग का लाभ लेके। हाँ, तो मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आगे मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या क्या करना होगा कि अगर पॉलिसी लेने के बाद टेंशन होता है तो, पॉलिसी लेने के बाद घर में झगड़ा होता है तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात आती है एक फ्री लुक की। पॉलिसी लेने को तो ले लेते हैं लेकिन जल्दी कोई बताता नहीं है कि फ्री लुक भी फैसिलिटी होती है। जैसे फ्री लुक को हम उस अगर मापदंड से कंपेयर करें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर आपने कोई जाके गुड्स खरीद लिया, कोई सामान खरीद लिया, तो वहां से गारंटी की बात आती है ना कि कोई सर्विसिंग देता है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी वारंटी है। तो इस बात को मैं यहाँ फ्री लुक से कंपेयर करता हूँ कि अगर आपने पॉलिसी ले ली, अगर पसंद नहीं आया तो आप जब मर्जी तब इसे तोड़ सकते हैं या फिर इसको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आपने पॉलिसी क्यों लिया था? टेंशन फिर रहने के लिए, लेकिन यह टेंशन मिलने लगा तो आपको क्या करना होगा? तो अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद किसी तरह की नोकझोंक हो जाती है, टेंशन हो जाती है या फिर पॉलिसी पसंद नहीं आती है, तो एक इसमें फ्री लुक का ऑप्शन आता है या फिर पॉलिसी कैंसिलेशन की ऑप्शन आती है, जिसका ये लाभ आप ही को लेने के लिए बनाया गया है। अगर पॉलिसी लेने के और बॉन्ड रिसीविंग से 15 दिन के अंदर आप जब चाहें पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। अब यहाँ ये भी टेंशन मत लीजिएगा कि पॉलिसी किए हुए तो हमको 2 महीना हो गया तो फिर कैसे होगा, 15 दिन की बात कर रहे हैं लोग, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि 15 डेज तब से काउंट होती है जब आप पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करते हैं। तो जैसे ही आपको पॉलिसी बॉन्ड मिल गया उसके 15 डेज के अंदर, चाहे वो पॉलिसी बॉन्ड 6 माह के बाद मिले, 2 माह के बाद मिले या फिर 10 दिन के अंदर मिल जाए। तो अगर पॉलिसी पसंद नहीं है, पॉलिसी के चलते झगड़ा हो गया, पॉलिसी के चलते तो अचानक पैसे की जरूरत आ गई, तो आप पॉलिसी कैंसिलेशन के लिए पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर आप कभी भी तोड़ के अपना फुल पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या बात आती है इसको देखते हैं। एक पॉलिसी फॉर्म होता है, कैंसिलेशन फॉर्म। जो भी पॉलिसी जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने लिया है वहां पे क्या करेंगे, जाके ऑफिस से एक फॉर्म ले लेंगे, एजेंट के थ्रू नहीं मांगे, ना ही मैनेजर के थ्रू मांगे, क्योंकि ना ही एजेंट आपको चाहेगा पॉलिसी कैंसिल हो, आप चाहे कितना हो झगड़ा में रहे, टेंशन में रहे, ना ही मैनेजर चाहेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि तो ऑफिस के जाके, ऑफिस में जो ऑफिस स्टाफ बैठा है उससे मांगे, वो आपको फॉर्म दे देगा, सॉरी फॉर्म देगा। हाँ, ये भले पूछने के लिए अतराइए कि आप क्यों पॉलिसी तोड़ रहे हैं, तो आप अपना बताइए समस्या और उसे ले लीजिए। और नहीं तो क्या करें, आप ऑनलाइन जाकर पॉलिसी कैंसिलेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। हर कंपनी की पॉलिसी कैंसिलेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड है, उसको क्या करें कि आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करें। तो जैसे मैंने टाटा AIA का एक कंपनी का लिया है, टाटा AIA के फिर लुक कैंसिलेशन में देखें कि
कैसे इसको सरेंडर कैंसिल कर सकते हैं। टाटा ये कि मैंने इसलिए लिया कि अभी मैंने हाल ही में टाटा ये में जॉब कर रहा था, तो छोड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल आने लगे कि भाई पॉलिसी कैंसिल कैसे होगा, पॉलिसी कैसे टूटेगा, मुझे जरूरत है। इसका फॉर्म हमने देखिए ऑनलाइन डाउनलोड किया और उसके बाद से आपको बता रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए पॉलिसी आपने कैंसिलेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि पॉलिसी नंबर डालना है, फिर पैन नंबर भर दिए, फिर पॉलिसी होल्डर का नाम डाल दिए, फिर लैंडलाइन मोबाइल नंबर जो पॉलिसी करते वक्त दिए थे वो डाल दीजिए, और अच्छा नहीं है तो नया भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी वही दे दीजिए पहले था, और नहीं तो फिर नया डाल सकते हैं। ईआईए नंबर एक आता है जो कि मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ईआईए हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर जो मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि देना ही है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, रेसिडेंशियल ये छोड़ देंगे, ये चूंकि एनआरआई के लिए है तो यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद से फिर लू कैंसिलेशन का यहाँ पर आपसे कुछ सवाल है, इसको जवाब देने पड़ेंगे। नॉट सर्टिफाइड विद पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ टिक लगाएंगे, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर पर्सनल रीजन, नो रिक्वायरमेंट, जो जरूरत जैसा वहाँ यहाँ पे टिक लगा देंगे। और उसके बाद से यहाँ पर ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड देंगे, पॉलिसी बॉन्ड दे के अपना जमा करेंगे, रीजन बताते हुए उस बाबू साहब को जो भी काउंटर पर बैठे हैं उनको देंगे और दे के सबमिट करेंगे। इस फॉर्म में एक देखेंगे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, ये पेमेंट डिटेल फॉर नेफ्ट का ऑप्शन आता है। तो नेफ्ट आपने देख लिया तो नेफ्ट फॉर्म को भरना जरूरी होता है। नेफ्ट फॉर्म में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस नाम अपना, नेम ऑफ बैंक अकाउंट में क्या नाम है, जिस नाम से पॉलिसी है उसी नाम से होगा, क्योंकि आपने जो पॉलिसी कराया होगा तो उसमें भी यही डॉक्यूमेंट दिया होगा, सेम वही डॉक्यूमेंट यहाँ भी लगता है, डॉक्यूमेंट का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, तो यहाँ नेफ्ट फॉर्म भर देंगे जैसे आपने भरा था। और उस समय चूंकि होता क्या है कि पॉलिसी लेने के लिए साहब या फिर एडवाइजर जो भी होते हैं वो लोग जागरूक होते हैं, तो आपको कोई भरने देता नहीं है, ना ही आप भर पाते हैं। आप तो आराम से बाबू साहब आप भी बन के बैठे रहते हैं और अपना पूछ पूछ के भर लिए सब, ठीक वही चीज आप अपने हाथों से कृपया भर लेंगे, फुल नेम भर लेंगे, अकाउंट होल्डर अपना नाम भर लेंगे, बैंक नाम, ब्रांच का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, ये भर के कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या फिर करंट है, एनआरई एनआरओ जो ही है ये कंप्लीट कर लेंगे। आईएफएससी कोड डाल देंगे, माइकर कोड भर दिए तो बेहतर, नहीं तो कोई बात नहीं। चेक भी कैसा होना चाहिए जिसपे नाम नंबर प्रिंटेड हो, अगर आपके पास प्रिंटेड चेक नहीं है तो आप बैंक पासबुक ले आकर बैंक साथ राइज करा के स्टाम्प मोहर साइन करवा के ले आकर दे दीजिए, हो जाएगा। और सिग्नेचर यहाँ हो गया, हर चीज आपका यहाँ साइन हो जाएगा। विटनेस का यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर प्लेस विटनेस नाम, एक गवाह चाहिए तो गवाह आपने कोई भी फ्रेंड्स मित्र जो भी साथ में गया हो उसका, या फिर ऑफिस में किसी को आप रिक्वेस्ट करके वहां पर विटनेस ले सकते हैं अगर वो आपको जानता हो तो। अगर एक यहाँ बात आती है सिग्नेचर की या फिर थंब इम्प्रेशन का, अगर कोई सिग्नेचर हिंदी में किया हो या फिर अंगूठा लगाया तो उसके लिए एक वर्नाकुलर की साइन की बात आती है। तो उसमें करना क्या होता है कि जो भी आपके विटनेस हैं वो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, अपना आधार कार्ड एक दे देंगे या फिर वोटर आई डी ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो डॉक्यूमेंट देके यहाँ उसका नंबर दे देंगे और उसका आइडेंटिटी नंबर दे देंगे। मतलब कौन सा यहाँ पर आधार है तो आधार लिखेंगे और डॉक्यूमेंट आधार नंबर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद पॉलिसी होल्डर किस लैंग्वेज में अपना ये फॉर्म फिलअप किया था या समझना चाहा था समझा है उसको यहाँ भर के हम साइन करवा के डिक्लेरेंट से अपने यहाँ साइन करके उसको लेके जमा कर देंगे तो हमारा पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात आती है कि अगर यूनिट लिंक पॉलिसी हो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो तो उसमें क्या मिलेगा। तो कभी कभी आप देखेंगे कि अगर यूनिट लिंक पॉलिसी आपने जाके फिर लू करवाई हो या फिर कैंसिलेशन करवाया तो कभी ज्यादा पैसा भी मिल जाता है, क्योंकि उस मामले में एक कंडीशन यह होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे होंगे उसको माइनस करके जो उस टाइम का फंड वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है और फंड वैल्यू बढ़ा हुआ तो आपको रिटर्न मिल जाता है, इसलिए ज्यादा पैसा मिल जाता है। या फिर घटे हुए हालत में भी आप ही को भुगतान करना होगा, मतलब अगर फंड वैल्यू गिरा हुआ तो आपको गिरा हुआ लेना पड़ेगा, तो इसलिए कभी कभी उसमें फायदा भी हो जाता है। तो ये यूनिट के मामले में होगा। एक चीज और होता है कि आपको प्रीमियम के अलावा जो भी ऐसे मेडिकल ट्रेडिशनल प्लान में जो गारंटीड है नॉन गारंटीड है यूनिट को छोड़ के कितना रुपया मिलेगा भाई, तो उसमें क्या होता है अगर आप हायर रेंज में है तो मेडिकल तो हुआ होगा या फिर स्टाम्प ड्यूटी लगी होगी, स्टाम्प ड्यूटी तो हर मामले में लगेगा हर एज में,
तो हायर एज में जो मेडिकल कॉस्ट आता है, मतलब इंश्योरेंस कॉस्ट आपको अलग से नहीं ली जाती, उसी प्रीमियम में इंक्लूड होता है। तो जब भी आप पॉलिसी कैंसिल करेंगे, सरेंडर करेंगे या फिर प्रलुप्त करेंगे, तो उस टाइम आपको वो देना होगा और वो चार्ज ऑटोमेटिक कंपनी काट के ही आपको पे करती है। एक और बात आती है फ्री लुक में कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी थी, यहाँ तो बन गई समस्या, अब क्या करेंगे, ऑफिस था तो हमने ऑफिस में जाके सरेंडर कर लिया, लेकिन अब क्या करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि अगर पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है तो उसमें आपको अच्छा समय मिल जाता है। ऐसे बॉन्ड रिसीविंग के 15 डेज मिलते हैं अगर ऑफिस के थ्रू पॉलिसी लिया है, और यदि ऑनलाइन पॉलिसी लिया है तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। बाकी सेम कंडीशन होंगे, वही पॉलिसी क्राइटेरिया होगी, वही डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो आप इस तरह अपना पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं और आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि बीमा भी लिया टेंशन के लिए, इसीलिए टेंशन फ्री रहने में ही भलाई है, नहीं तो बहुत सारे बीमारी होती हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। हाँ, तो लास्ट में एक और चीज बताएंगे कि आपने ये जितना फॉर्म भरा होगा, जहां जहां सिग्नेचर भी किए होंगे, वो हर चीज ब्लू इंक में होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑल साइन मस्ट बी इन ब्लू इंक फॉर ईच सिग्नेटरी, देयर शुड बी अ विटनेस विद द सिग्नेचर। मतलब जहां जहां विटनेस का सिग्नेचर आपका हुआ हो वो सब कुछ ब्लू में होना चाहिए, और जो सिग्नेटरी होना चाहिए, जो सिग्नेचर विटनेस में जो साइन किया उसका एज मिनिमम 21 ईयर का होना चाहिए, मिनिमम ध्यान देना होगा। यानी उससे कम का व्यक्ति अगर विटनेस बनता है तो वो मान्य नहीं होगा। बाकी इंश्योरेंस कॉस्ट जैसे स्टाम्प ड्यूटी, मेडिकल कॉस्ट, ये सब काट के आपका पैसा विद इन 10 डेज आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप कृपया इसका लाभ लें दोस्तों, इसका बेनिफिट लें, और अगर लगता है कि मुझे अच्छा नहीं है, कृपया झगड़ा नहीं करें आपस में, टेंशन नहीं ले, चूंकि टेंशन फ्री के लिए आपने बीमा लिया था। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।